तो दोस्तों अभी अभी ये न्यूज़ निकल के आ रहा है, ई कॉमर्स जो वेबसाइट होता है फ्लिपकार्ट, अमेजन या मिंत्रा दोस्तों, इस पर सरकार जो है सेल बंद करने जा रहा है दोस्तों, फ्लैश सेल जो है बंद करने जा रहा है दोस्तों। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों क्या है, क्या सरकार क्या चाहता है दोस्तों कि अब हम सब पब्लिक जो है वो घाटा में जिए दोस्तों, तो आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, और हाँ जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ आया था कि गवर्नमेंट जो है वो अब फ्लिपकार्ट, अमेजोन जितना भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर फ्लैश सेल जो है बंद करने जा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी तगड़ा न्यूज़ है दोस्तों, जो कि हम सबको आप सबको शॉक कर सकता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों करने जा रहा है दोस्तों। काफ़ी सरकार को ये नोटिस आया दोस्तों, ये रिपोर्ट आया दोस्तों, जो कि मार्केट को जो दुकानदार होता है दोस्तों फ़ोन वाला, वो सब जो है सरकार से बहुत दिनों से ये गुहार लगा रहे थे दोस्तों कि हम सब का लॉकडाउन में पहले से ही धंधा चौपट हो चुका है दोस्तों, अब और नई धंधा चौपट होना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन का फ्लैश सेल आता था दोस्तों, उस फ़ोन का प्राइस जो है काफ़ी सस्ता हो जाता था दोस्तों, और मार्केट में जो है वो फ़ोन जो है उतना ही प्राइस में हमें देखने को मिलता था दोस्तों। तो हम कौन फ़ोन लेते, सिंपली से बात है कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते, फ्लिपकार्ट पर जाते, तो हम फ़ोन खरीदते। इससे जो मार्केट का जो दुकान होता था दोस्तों, उस काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान में जा रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रहा है दोस्तों, क्योंकि कोई मार्केट से जो है स्मार्टफोन खरीद ही नहीं रहा दोस्तों। इस वजह से जो है बार बार सरकार को ये गुहार लगा रहा है दोस्तों, जो फ़ोन हम मार्केट में उस प्राइस के साथ बेचते हैं वही फ़ोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे दोस्तों। ये सिर्फ फ़ोन पर ही निर्भर नहीं करता, सारा चीज़ पर, सारा प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। जूता हो, जितना भी चीज़ है दोस्तों, कपड़ा हो, फैशन का सामान हो, सब चीज़ पर ये निर्भर करता है। जो सामान हमें मार्केट में उतना ही प्राइस में देखने को मिलता है, वो सामान जो है, वो प्रोडक्ट जो है हमें ई कॉमर्स वेबसाइट पर डिस्काउंट के माध्यम से काफ़ी सस्ता देखने को मिल जाता है दोस्तों। इस वजह से जो है दुकानदार काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं दोस्तों, कोई भी दुकान से सामान खरीदने को राजी नहीं हो रहा है दोस्तों, सब ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाने जा रहा है दोस्तों, जो कि अब जो फ्लैश सेल है वो बंद कर दिया जाएगा हर ई कॉमर्स वेबसाइट पर। इससे नुकसान किसे होगा दोस्तों, इससे नुकसान हम सबको होगा दोस्तों, क्योंकि हम सभी फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर जो है सामान खरीदते थे, हम सबको काफ़ी फायदा होता था दोस्तों, इससे हम सबको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों। अब पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, क्योंकि दुकानदार का काफ़ी प्रेशर सरकार पर आ चुका है दोस्तों, नहीं तो वो सब भी चौपट हो जाएंगे दोस्तों, उसको भी पेट पालना है दोस्तों, वो कहाँ से पालेगा। तो इससे इस तरह से देखो तो ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। आप सब क्या इसके बारे में सोचते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब आपको जल्द ही ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल बंद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब कोई भी सेल आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा, जितना का प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलता है उतना का प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मिंत्रा सब पर दोस्तों। आपका क्या राय है हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं सबसे एक नए वीडियो के।